नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। लिंबी चिंचोली गांव छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती विशेष हाफ पिच टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा जी आमच्या गावातील जनक्रांती बहुउद्देशीय युवा संस्थेद्वारे ऑर्गनाइज केली गेली आहे। तर या भव्य दिव्य संस्थेतर्फे ऑर्गनाइज केलेली या भव्य दिव्य क्रिकेट स्पर्धेच्या दुसऱ्या या बेहतरीन एपिसोड मध्ये तुमचा सर्वांचा स्वागत आहे। तर आता थोड्याच वेळामध्ये अजून एकदा जे आहे हळहळे गाव आणि तळे हिप्परगा, कोणतं गाव? तळे हिप्परगा। हा, तळे हिप्परगा आणि आपल्या हळहळी या दोन गावांमधील जे मॅच चालू होणार आहे। हळहळी या गावाची मॅच जी काल झाली होती ती खूपच भन्नाट झाली होती, परंतु थोडा प्रॉब्लेम झाल्यामुळं ते हरले आणि त्यांच्या जागी धोत्री पुढच्या राऊंडमध्ये गेली आणि त्यांना परत एकदा रिएंट्री करावी लागली। तर आता थोड्या वेळामध्ये जे टॉस होणार आहे। कॉल तुम्ही लेते का? ओके, उडो उडो उडो। दो मिनिट बोले से चित्तेगा उनोली गया। हाँ, तो तळे हिप्परगा। ओके ओके, तळे हिप्परगे वाले जो हैं अभी ये जीते सोई टॉस जीते सोई। चलो देखते उनका डिसीजन क्या होता है। उन्होंने अभी डिस्कस कर रहे हैं उनके प्लेयरों के साथ कि वो बा क्या करने का है अपने को। देखेंगे बोलते। तो अभी जो है तळे हिप्परगा वाले जो हैं उनके कैप्टन अभी बोले कि बाबा उन्हों बैटिंग लेते गए थे और हमारे नवीन अंपायर बोल के हमारे तीर्थ गांव के राजा तीर्थ गांव के शेठ अपने अल्ताफ भाई शेख जी यहाँ पर आ चुके हैं। तो उन्होंने जो है अपनी पूरी मैच को जो है यहाँ पर इंचार्ज करेंगे। हमारे शेतकरी भाई बहुत अच्छी तरीके से स्कोर बोर्ड का संभालेंगे और हमारे थर्ड अंपायर हमारे छुबू शेठ भी काम करेंगे अच्छी तरीके से। तो सब जिन्हें अच्छी तरीके से पूरी तैयारी भी लिए। अभी थोड़ी देर में जो है ये भन्नाट मैच जो है शुरू होने वाली है। तो देखते हैं आज हळहळी गांव जीतते हैं या फिर तळे हिप्परगा गांव जीतते हैं, देखना क्या क्या होता है। तर या ठिकाणी खूप चांगल्या प्रकारे जे आहे बेहतरीन टूर्नामेंट चालू होणार आहे। आपले हळहळी गावचे कॅप्टन जे आहेत चांगल्या प्रकारे त्यांच्या टीमची या ठिकाणी फिल्डिंग वगैरे सेट करत आहेत। तर आपण आज जे आहे कॉमेंट्री दोन भाषांमध्ये करायचा प्रयत्न करणार आहोत, हिंदी आणि मराठी। तर कारण काही आपले जे मित्र आहेत कमेंट सेक्शनमध्ये म्हणत होते बादशाह भाऊ थोडंफार मराठीचा पण वापर करा, तर आपण जे आहे दोन्ही भाषांचा या ठिकाणी वापर करणार आहोत। तर आता खूप चांगल्या प्रकारे पूर्ण मॅच होणार आहे असं वाटत आहे आणि आज हळहळी टीमची जी प्रॅक्टिस झालेली आहे खूप चांगल्या प्रकारे झालेली आहे आणि ते या ठिकाणी जिंकण्यासाठी आलेत म्हणून सांगत होते। तर बघू कोण जिंकते आजची ही मॅच। चला, तो दोनों भी गाँव के जो है मतलब अपने तळे हिप्परगा गाँव के जो ओपनर्स है तैयार हो चुके। भाई आपका नाम क्या है और आपका? गणेश। तो रफिक भाई और गणेश भाई यहाँ बेहतरीन तरीके से तैयार वाले ओपनिंग करने के लिए। तो देखते हैं इनो अपने टीम के लिए क्या स्कोर करते। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आज का दिन होने वाला है। तो देखेंगे बोलते क्या क्या होता आगे। चलो अभी जो है यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मैच जो है शुरू होने वाली है। तो तळे हिप्परगा के जो कैप्टन साहब है वो अपने को अपना पूरा मनोगत बताएंगे यहाँ पर। भाई आपका नाम क्या है? देवा माने। देवा माने, जरा इधर इसमें उजाले में। देवा माने क्या आपका नाम? ओके, तो इससे पहले आपने कभी मैच खेला है इसके साथ, मतलब ये टीम के साथ हळहळी के साथ? नहीं ना, पहली बार है। तो इससे पहला मतलब आप कहाँ खेले ले, कौन कौन से गांव में जाके खेले मैच? कासीगांव, उड़े, हाँ, दक्षिण सोलापुर में पूरा खेला। दक्षिण सोलापुर में पूरा खेले ले। हाँ। और जीते कितने बार? तीन बार जीते टूर्नामेंट, तीन बार जीते ले कब? तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड टीम है आपकी, मतलब ऑलराउंडर ज्यादा है या फिर बॉलर ज्यादा है, बैट्समैन ज्यादा है? बैट्समैन ऑलराउंडर दोनों है। दोनों है, ओके। मतलब आपका ये क्या है, मतलब आप कितना स्कोर कर सकते हैं ऐसा लग रहा आज सात ओवर में? सात ओवर में 120 कर सकते। 120 का आपका टारगेट है? तो चलो देखते क्या क्या होता है आपको। मतलब 120 आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ऐसा लग रहा है आपको, मतलब 120 होंगे तो जीत सकेंगे अपन। अच्छी बात है, चलो तो शुक्रिया। धन्यवाद। अगर आज जीते तो फाइनल में मिलेंगे बोलते इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो भाई साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इंटरव्यू दिया है। तो देखते उन्होंने बोल रहे 120 रन का टारगेट वो सेट कर सकते हैं। तो देखेंगे बोलते 120 होते या नहीं होते। चलिए देखते आगे क्या क्या होता। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाली आज, क्योंकि हळहळी की टीम जो है एक मैच हार कर जो है यहाँ पर आ चुकी है और उनके पास जो है खोने के लिए भी कुछ नहीं है और पाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो वो बहुत ही टफ देने की कोशिश करेंगे और उनके सामने जो है ये भी टीम खेलने वाली है। तो देखेंगे कौन जीतता है और कौन हारता है आज। आता खूपच जबरदस्त तरीक्याने जे आहे या ठिकाणी मॅच चालू आहे। तळे हिप्परगा गावचे जे रफिक भाऊ आहेत खूपच चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी मॅच खेळत आहेत।
तर काय सांगता येत नाही आता, कारण काल हळहळी गावचे कॅप्टन सुद्धा म्हणले होते की आम्ही 90 रन काढू, परंतु पिच जे आहे, क्रिकेट जे आहे ना, हे पूर्णपणे अनिश्चितताऊंचा खेळ आहे. इथं कधी पण काही पण होऊ शकतं, है का नाही, कधी पण काही पण होऊ शकतं. तर सांगता येत नाही इथं काही पण होऊ शकते, त्यामुळे बघू कोण जिततं आणि कोण हरतंय. आता तर पॉवर प्ले चालू आहे, पॉवर प्लेचा आत्ता पहिला ओव्हर जे आहे संपायला आले. 2 ओव्हरचा पॉवर प्ले असतो आणि बाकीचे 5 ओव्हर जे आहेत ते आपल्याला ऑर्डिनरी खेळता येतात. तर खूपच चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी मॅच चालू आहे, बघू काय काय होतं थोड्या वेळानंतर, है का नाही. पॉवर प्ले का 2रा ओव्हर जो आहे चालू हो चुका है और हळहळी की जो टीम है बहुत ही ज़्यादा सहजता से यहाँ पर मैच खेलते हुए, बहुत ही संभाल कर जो है मैच खेलते हुए, बहुत ही कैलकुलेटेड वे में मैच खेलते हुए. वो बोलते हैं ना कि बाबा दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, वैसे यहाँ पर जो है बात चल रही है. बहुत ही सावधानी से जो है यहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है सामने की जो टीम है, हळहळी के सामने की जो टीम है आज तड़े हिप्पर का, वो भी टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है. वो भी जो है आज जीतने के मनसूबे से यहाँ पर आए हुए हैं, तो देखेंगे कौन जीतता है और कौन हारता है. बहुत ही ज़्यादा टफ मैच होने वाली आज की है. एक ऐसी टीम जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और एक ऐसी टीम जो पहली बार हमारे ग्राउंड पर खेल रही है, तो देखेंगे क्या क्या होता है. वो भाई क्या जबरदस्त शॉट चल रहे हैं यार. और प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, टेनिस बॉल जो है बहुत ही ज़्यादा बाउंस होता है, बहुत ही ज़्यादा बाउंस होता है. उसी वजह से जो है बॉल को प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फील्डर्स के लिए कि वो कहाँ बॉल आएगा, उनको समझ सच नहीं हो. मतलब एक जगह पर अगर बाउंस हुआ तो वो बाउंस होके किधर भी जा सकता बॉल, तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. कॉर्क बॉल कैसा है, ज़्यादा बाउंस नहीं होता और उसको आप आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन टेनिस बॉल बहुत ज़्यादा बाउंस होता है, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है फील्डर्स के लिए. अभी तक जो है सिर्फ 3 ओवर की मैच हुई है और 57 रन जो है यहाँ पर तड़े हिप्परगा की टीम ने ठोके हैं. तो उनके कैप्टन ने जिस तरीके से इंटरव्यू में कहा था कि हम 120 रन निकालेंगे, तो लगता है वो निकाल सकते हैं. तो देखेंगे क्या होता है. यहाँ पर एक विकेट हो गया है भाई, पहला विकेट जो है जा चुका है तड़े हिप्परगा का. तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर विकेट लिया है भाई ने, एकदम धोनी की तरह कैच पकड़ा है कैप्टन ने इस टीम के, हळहळी के. तो देखते हैं क्या होता है आगे. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच हो रही है. मतलब अभी जो है एक क्या बोलते हैं, एक किरण जो है जीत की जो किरण है अभी यहाँ पर इनको दिखी है, हळहळी की टीम को. तो देखते हैं अभी ये जो नए प्लेयर आ रहे हैं वो अपनी टीम के लिए कितना रन स्कोर कर पाते हैं. चलो तो अभी जो है रफीक भाई ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की है. टोटल 56 रन जो है यहाँ पर उन्होंने स्कोर किए हैं अपने टीम के लिए और टीम का टोटल स्कोर है सिर्फ 72 या फिर 75 रन. तो टीम के पूरे रन जो है 80% रन जो है अकेले रफीक भाई ने यहाँ पर स्कोर किए हैं. तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने टीम के लिए यहाँ पर खेलते हुए एकदम जो है विराट कोहली या फिर अपने रोहित शर्मा का जो है रोल टीम के लिए अपने प्ले करते हुए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हुए. अभी जो है 6ठा ओवर चालू हो चुका है फर्स्ट इनिंग का और भाई जो है अपने टीम के लिए यहाँ पर रन बचाने की कोशिश करते हुए 93 रन जो है यहाँ पर हो चुके हैं, जिसमें से रफीक भाई ने अकेले ही लगभग 60 से 70 रन जो है ठोके हैं. और दूसरे छोर पर जो है उनके सभी दोस्त जो है उनकी मदद करते हुए यहाँ पर. तो देखेंगे क्या होता है अल्लाह की फजल से यहाँ पर आगे मैच क्या होती है. ओवर थ्रो बहुत सारे ओवर थ्रो यहाँ पर होते हुए, मिस फील्डिंग होते हुए यहाँ पर एक और फ्री हिट मिलते हुए. बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, टेंशन भरा माहौल यहाँ पर तैयार होते हुए मैदान पर. आखिरी ओवर जो है शुरू हो चुका है और एक बॉल भी गिर चुका है यहाँ पर और 111 रन का जो है स्कोर यहाँ पर सेट किया है तड़े हिप्परगा के टीम ने. तो देखते हैं वो 120 के स्कोर तक पहुंच पाते हैं या नहीं. 3 बॉल बचे ले हमारे जेवरे सर यहाँ पर अंपायरिंग करते हुए शेख साहब की जगह पर. क्या मिस हो चुका है और एक और बाउंड्री. मुझे लगता है कि लगभग 140 के स्कोर तक वो पहुंच जाएंगे. अजून 2 बॉल है ना, अभी 2 बॉल बचे हैं. वाव यार क्या शॉट है,
एकदम स्मूथ क्रिमिनल की तरह यहाँ पर एक और सिक्स यहाँ पर भाई ने मारा है। लास्ट बॉल, बहुत ही लंबा ये इनिंग चलते हुए यहाँ पर। मैंने जिस तरीके से आपसे कहा था कि बॉल जो है बहुत ही ज्यादा बाउंस होता है, यहाँ पर जो है हर बॉल से जो है यहाँ पर जो है मुश्किलें बढ़ते हुए हड़हड़ी टीम के लिए। और ये दोनों प्लेयर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर भागते हुए अपने टीम के लिए, और यहाँ पर एक और विकेट जा चुका है। तो सभी ओवर जो है खत्म हो चुके हैं। स्कोर कितनी टोटल? तो अभी जो है 135 रन का बलाढ्य स्कोर जो है यहाँ पर तड़े हिप्परगा की टीम ने जो है स्कोर किया है। और देखते हैं अभी हड़हड़ी की टीम इस बेहतरीन और बड़े स्कोर को बीट कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो फिर चलिए मिलते हैं सीधे ब्रेक के बाद। इस क्रिकेट सीजन आप सभी खवैयों के लिए हमारे पास एक बेहतरीन खबर है। आप सभी नॉनवेज और वेज खवैयों के लिए हैदराबाद रोड पुराने दीपक ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पास सोलापुर में अल हयात मंडी हाउस और फैमिली रेस्टोरेंट आप सभी के सेवा के लिए मौजूद है, जहां आपको हर बेहतरीन प्रकार के नॉनवेज और वेज पकवानों का लुत्फ ओपन स्काई गार्डन और शाही कमरों में उठाने मिलेगा। अब इंतजार किस बात का, जाइए और इन बेहतरीन पकवानों का लुत्फ उठाइए। और अगर एडवांस बुकिंग करना चाहते हो तो हमें कॉल कर सकते हो हमारे मोबाइल नंबर 9665049583 या फिर 9665075584 और 7028591673 पर। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। अभी जो है यहाँ पर सेकंड इनिंग शुरू हो चुकी है। तो हमारे दोनों प्लेयर जो हैं यहाँ पर तैयार हो चुके हैं हड़हड़ी गांव के खेलने के लिए। अभी भी भाई जो है इंज्योर है, अपने टीम के लिए यहाँ पर खेलने की कोशिश करते हुए शेन वॉटसन की तरह यहाँ पर जो है अपने टीम के लिए एक दीवार की तरह रुकने की कोशिश करते हुए, अपनी टीम को जिताने की कोशिश करते हुए। तो देखते हैं आज अपनी टीम को जिता पाते या नहीं पाते, क्योंकि कल इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की अपनी टीम को जिताने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं जीता पाए। लेकिन आज एक मौका मिला है, तो इस मौके का वो चांदी करते हैं या नहीं करते हैं देखेंगे। बहुत ही टफ टीम उनको आज मिली ली है, बहुत ही ज़्यादा टफ टीम मिली ली है उनको आज तड़े हिप्परगा के नाम पर। तो देखेंगे आगे क्या होता है। यहाँ पर जो है दूसरी इनिंग का पहला ओवर जो है खुद टीम के कैप्टन डालते हुए बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर खेलते हुए। और अभी जो है अंपायर बोलकर हमारे शोएब रामपुरे जी आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लाइन अंपायर बोलकर कोटाने शेट आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग यहाँ पर पड़ते हुए, बहुत ही जबरदस्त। चलिए मैच तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही है। ओ भाई बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक। ओवर थ्रो, ओ नहीं नहीं, नॉट आउट है। आउट है या नॉट आउट है? नहीं नॉट आउट है। तो तीन रन जो है यहाँ पर ओवर थ्रो के लेग बाय के मिल चुके हैं। तो चलिए अभी अपन हड़हड़ी टीम के कैप्टन का जो है इंटरव्यू लेते हैं। अभी जो है पहला ओवर समाप्त हो चुका है, एक विकेट गिर चुका है, और अभी जो है 9 रन एक ओवर में हो चुके हैं। तो बहुत ही लंबा सफर जो है हड़हड़ी की टीम को कवर करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। यहाँ पर हड़हड़ी की टीम का जो है एक और विकेट गिर चुका है। पावर प्ले का दूसरा ही ओवर चालू है और उसमें जो है सलग 2 विकेट जो है जा चुके हैं। तो अभी कैप्टन साहब खुद जो है अपनी टीम की जिम्मेदारी लेकर मैदान में उतरते हुए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं टफ मैच जो है आज हड़हड़ी की टीम के लिए होने वाली है। कल से भी ज़्यादा टफ जो है आज की मैच होने वाली है। सामने की टीम जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल टीम है,
तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, कैप्टन साहब अपने टीम की इज्जत यहाँ पर बचा पाते हैं या नहीं पाते। हड़हड़ी के टीम का एक और विकेट जो है यहाँ पर गिर चुका है, तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है यहाँ पर हड़हड़ी के टीम के लिए इस पहाड़ जितने बड़े स्कोर को चेस करना। तो यहाँ पर कैप्टन भी जो है आउट हो चुके हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है यहाँ पर तड़े हिप्परगा की टीम खेलते हुए, बहुत ही खतरनाक जो है आज की मैच यहाँ पर होते हुए। ओ भाई जबरदस्त तरीके से यहाँ पर चलते हुए एक और बाउंड्री भाई जो है यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेलते हुए। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि वो अच्छी तरीके से नहीं खेल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर खेलते हुए तो चौथे ओवर के जो है सिर्फ चार बॉल हो चुके हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से खेलते हुए थोड़ा बहुत जो है इस डार्क टाइम में जो है लाइट यहाँ पर लाते हुए हड़हड़ी के टीम के ये प्लेयर्स। तो देखते हैं आगे क्या होता है भाई, बहुत ही जबरदस्त जो है यहाँ पर मैच चलते हुए, फील्ड सेटिंग भी बहुत अच्छी तरीके से लगा है सो यहाँ पर, मतलब कोई चांस ही नहीं है भाई, क्या जबरदस्त चल रहा है ना, बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर रन चलते हुए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ओए भाग भाग, इसी तरीके से जो है यहाँ पर ये रन निकालते हुए। बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है चलते हुए यहाँ पर मैच, सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इस मैच को एंजॉय करते हुए। भाई क्या शॉट है भाई, भाई जबरदस्त जबरदस्त, कड़क कड़क कड़क, जबरदस्त तरीके से भाई यहाँ पर मैच खेलते हुए। अभी जो है पांचवा ओवर चालू हो चुका है, और दूसरी ओर जो दिनेश भाई हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने टीम के लिए रन जुटाते हुए यहाँ पर, तो मैच का जो है थोड़ा बहुत रुख यहाँ पर बदल चुका है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मैच चलते हुए सभी पवेलियन में जो है सभी लोग इस मैच को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अच्छी तरीके से चलते हुए अभी भी जो है पल्ला बहुत दूर है यहाँ पर जो है हड़हड़ी के टीम को जो है किस्मत साथ देते हुए, लेकिन दिनेश भाई जो है यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आउट हो चुके हैं। यहाँ पर जो है हड़हड़ी की टीम का 9वां विकेट गिरते हुए सिर्फ 47 रन जो है उन्होंने निकाले हैं, तो अभी आखिरी विकेट जो है उनका यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर तड़े हिप्परगा की टीम ने खेला है, पूरा ऑलराउंड परफॉर्मेंस जो है उन्होंने यहाँ पर दिया है बहुत ही खतरनाक। ओ भाई 50 रन यहाँ पर पूरे होते हुए हड़हड़ी के टीम के, आखिरी विकेट और दो ओवर का मैच जो है बाकी है, बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है यहाँ पर तड़े हिप्परगा की टीम ने जो है हड़हड़ी की टीम को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया है पूरी तरीके से, पूरा वन साइडेड मैच यहाँ पर हो चुका है, बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है उन्होंने यहाँ पर खेला है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिनेश भाई ने जो है अपनी टीम की आन बान शान बचाने की कोशिश की, लेकिन अकेले प्लेयर का मैच, अकेले प्लेयर का जो है खेल नहीं है ये क्रिकेट, क्रिकेट जो है ये पूरे टीम एफर्ट का है खेल है, मतलब पूरी टीम का यहाँ पर परफॉर्मेंस मायने रखता है, सिर्फ एक प्लेयर का परफॉर्मेंस मायने नहीं रखता। तो बहुत ही खतरनाक तरीके से यहाँ पर तड़े हिप्परगा की टीम ने जो है इस मैच को जीता है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेल रही है। ओ भाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर खेलते हुए, बहुत ही खतरनाक मैच हुई है ये, पूरी तरीके से वन साइडेड मैच हुई है हड़हड़ी के पक्ष में, बहुत ही खतरनाक मैच हुई भाई। लास्ट ओवर चल रहा है, फर्स्ट इनिंग बहुत ही लंबा चला, लेकिन सेकंड इनिंग जो है बहुत ही आसानी से जो है यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, बहुत ही स्मूथली बहुत ही स्पीड में जो है यहाँ पर सेकंड इनिंग चलते हुए, और सातवां ओवर भी जो है यहाँ पर खत्म होने के कगार पर आ चुका है।
यहाँ पर जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेलते हुए यूरो पन्ना सागर रहे ना बहुत जबरदस्त आर्डर रही यूरो। हाँ तड़े ऊपर का बहुत जबरदस्त आर्डर और दिन आड़ता रे यूरो हड़हड़ी टीम अदू दिन आड़ला एक्सपीरियंस बैक रियान ना यवागे आड़ती अंदर ಸುಮ್ಮ ಆಡೋದಂದ್ರೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಟೀಮ್ ನೋಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಇವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅದು ಟೀಮ್ ಟೀಮಿಗೆ ಟೀಮ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಬರೋಬರ್ರಿ ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ ಟೀಮ್ ತಂದು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಬರೋಬರ್ರಿ तो अभी जो है हमारे रखमा जी भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा फ्लॉ बताते हुए यहाँ पर हड़हड़ी टीम का अपने नेटिव लैंग्वेज कन्नड़ में। तो ये मैच जो है यहाँ पर समाप्त तो हो चुकी है और पूरी तरीके से जो है हड़हड़ी टीम को जो है डिस्ट्रॉय किया है यहाँ पर तड़े हिप्परगा की टीम ने। तो बहुत ही वन साइडेड तरीके से जो है यहाँ पर ये मैच समाप्त तो हो चुकी है और इस मैच को जो है यहाँ पर तड़े हिप्परगा की टीम ने जो है बहुत ही बड़े मार्जिन से जो है जीत लिया है। यहाँ पर जो है बहुत ही वन साइडेड मैच हो चुकी है और हड़हड़ी की टीम जो है पूरे 80 रनों से जो है आज की इस मैच को जो है हार चुका है। तो हड़हड़ी का जो है वक्त बहुत ही खराब चल रहा है, शायद कल की भी मैच वो बेचारे बहुत ही बड़े मार्जिन से हार गए थे और आज की भी मैच वैसे ही हार गए, कल 9 विकेट से हारे थे और आज जो है 80 रन से हारे हैं। तो उन्हें जो है मैं बस यही एक बात कहना चाहता हूँ कि उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, एक बार वो प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी टीम जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। प्रैक्टिस की वजह से जो है उनकी टीम हारी है, अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो हर एक टीम को हरा सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पर ये सभी मैचेस संपन्न हो चुके हैं। तो अभी जो है अपने को यहाँ पर हड़हड़ी टीम के कैप्टन साहब वकील साहब जो है यहाँ पर अपना मनोगत व्यक्त करेंगे, मतलब ये आपकी टीम किस वजह से हारी, आपको क्या लगता है? पहले तो हमने बॉलिंग में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया, कम से कम उन्होंने करीब करीब 20 रन प्रति ओवर के हिसाब से उन्होंने रन बनाए, बहुत ही बेहतरीन। इसलिए हमको टारगेट जो है वो साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर वो भी प्रेशर था कि बहुत बड़ा टारगेट है। उसके इतने बड़े टारगेट का पीछा करते हुए जब आपने मैच में देखा होगा कि 3-4 रन आउट, हाँ बराबर रन आउट ज्यादा है, वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे हमारे प्लेयर, इसलिए विकेट हम टिका नहीं पाए और टॉप ऑर्डर फेल हुआ, इसलिए रन भी नहीं बने। हाँ। पहले शुरुआत के 3-4 ओवर में जैसे पिछले मैच में हुआ था वैसे ही 3-4 विकेट गिरे, इसलिए रन नहीं बने और बाद में भी इतने बड़े टारगेट का प्रेशर नहीं ले सके प्लेयर, इसलिए हम चेस नहीं कर सके। तो आपका कहना यह है कि आपको प्रेशर झेलने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपकी टीम को? ऐसा तो नहीं कहा मैंने, लेकिन 140 7 ओवर में बोले तो थोड़ा हार्ड है टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट है, साइकोलॉजिकली अपने प्लेयर्स के माइंड पर वो प्रेशर डालता है बराबर, इसलिए वो प्रेशर लेके खेले प्लेयर, इसलिए हमारा प्रदर्शन खराब रहा। लेकिन फिर भी मैं आपको जो है यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ आपके अगले प्रोजेक्ट्स के लिए और आप प्रैक्टिस कीजिए इसी तरीके से और आप, मुझे यकीन है आज जिस तरीके से आपको किसी टीम ने हराया आप भी किसी टीम को इससे भी जबरदस्त तरीके से हराओगे। तो फिर बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू, फिर मिलेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है भाई ने अपने को इंटरव्यू दिया है किस तरीके से उनकी टीम यहाँ पर जो है टीम के खराब प्रदर्शन के पीछे का जो उन्होंने कारण बताया है वो बताया है, जो हाई स्कोर जो यहाँ पर टीम ने सेट किया था तड़े हिप्परगा के, तो उसी स्कोर की वजह से जो है उनके टीम के मेंबर्स पर जो है प्रेशर आया और उसी वजह से जो है वो इस मैच को हार गए। तो फिर चलिए इसी नोट पर जो है हम इस लगातार जम के मैच होगा, तो यहाँ पर जो इसी नोट पर जो है आज का ये एपिसोड जो है हम यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताओ और ऐसे ही बेहतरीन मैचेस को देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे फिर से किसी नए मैच में, किसी नए न्यूज रिपोर्ट में, किसी नए लाइव स्ट्रीम में। जय हिंद।